और ये भिंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, भिंड में यहाँ वायुसेना का ये देखिए विमान है, किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं जब ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सबसे पहले ये तस्वीर आप टाइम्स नाउ देख रहे हैं, वजह अभी फिलहाल पता नहीं चल पाई है, लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर करनी पड़ी है। भिंड से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और देखा गया है कई बार जो है पायलट जो होते हैं वो ट्रायल रन पे रहते हैं और किस तरीके से विमान को लेकर उड़ान भरते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग आखिरकार हुई क्यों है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मकरंद काले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों हुई इमरजेंसी लैंडिंग? देखिए, एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो जखमौली गांव है उसके किनारे बीहड़ में उतारा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब इसके आगे की जानकारी कि क्यों इमरजेंसी लैंडिंग हुई या फिर क्या उसके पीछे वजह रही, ये आधिकारिक रूप से एयरफोर्स अधिकारी उनसे बात करके या प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अभी तत्काल का ये मसला है, जब ये एयरफोर्स के इस अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग देखने को मिली है। जखमौली गांव बताया जा रहा है ये सिंध नदी के किनारे पड़ता है और यहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। उमरी थाना क्षेत्र पड़ता है भिंड का, और वहीं पर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर अचानक से उतरते हुए लोगों ने देखा। प्रशासन मौके पर पहुंचा है और एयरफोर्स के पदाधिकारी भी मौके के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर ये इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई। अभी फिलहाल जो प्रशासन बता रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सब सुरक्षित नजर आ रहे हैं। आधिकारिक जो भी बयान सामने आएगा उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इमरजेंसी लैंडिंग करने की वजह क्या थी। मकरंद, और क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर किस ओर जा रहा था, क्योंकि पायलट और को पायलट नजर आ रहे हैं वो सुरक्षित है, तो क्या किसी तरह की तकनीकी खराबी आई थी जिस वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी? देखिए, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है जब एयरफोर्स के कुछ विमान क्रैश होने की भी जानकारी मिली थी, और वो उस समय जो जांच हुई थी उसमें तकनीकी खामियों के साथ साथ कुछ वजहें और भी आई थी जिसको लेकर के एयरफोर्स के अधिकारियों ने ही स्पष्ट किया था। और एक तय समय सीमा में ही ये जांच होने के बाद ऑफिशियल जानकारी एयरफोर्स की तरफ से दी जाती है। अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से हो सकता है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग को अंजाम दिया गया हो, लेकिन अभी सब सुरक्षित हैं और क्या कारण रहे, तकनीकी कारण रहे या फिर कोई और वजह रही, इसको लेकर के एयरफोर्स के अधिकारी ही स्पष्ट कर पाएंगे। बिल्कुल मकरंद, लगातार हम दो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से इस अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। भिंड का इलाका बताया जा रहा है, और यहाँ पर लोगों को जब जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर रहा है तो लोग देखिए, गाँव के लोग वहां पर पहुंच गए। हालांकि आपको एक तस्वीर में वीडियो में नजर आएगा कि पायलट और को पायलट जो है वो सुरक्षित है, वजह क्या है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जब वायुसेना की तरफ से जो है बयान जारी किया जाएगा तब जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार वजह थी, क्यों हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लेकिन फिलहाल क्योंकि पायलट और कोपायलट सुरक्षित हैं, तो हो सकता है कि किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आई हो, या पता नहीं कि क्या फ्यूल खत्म हो गया हो, या इमरजेंसी लैंडिंग की और क्या वजह हो सकती है, ये तभी साफ हो पाएगा। मकरंद काले लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मकरंद, अगर इस इलाके को आप समझाइए तो जरा ये बताइए कि या अच्छा, मकरंद फिलहाल हमारे साथ नहीं है। मकरंद काले जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे हमारे सहयोगी, वो यही बता रहे थे कि इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ अपाचे हेलीकॉप्टर की हुई है। फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस वजह से यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है।